नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK Tracker पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज, जिसमें हम एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारा इस सीरीज का 23वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में आपको सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए देखने को मिलते हैं और इनको हम ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर करते हैं, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो सब आपको एक जगह पर देखने को मिल जाते हैं। एनसीईआरटी के फैक्ट भी आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं, जिससे आपके साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं और आपका रिवीजन भी यहां पर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, संसद से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया हो, कोई भी एक्शन हो, उसमें कौन हेड होगा? उसमें हेड होगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो अगर कोई संसदीय प्रतिनिधि मंडल विदेश जाता है तो उसके सदस्यों का नामांकन भी कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष देता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इनमें से कौन है जो संसद का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन उसको अधिकार प्राप्त है संसद को संबोधित करने का, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है? तो ये है भारत के अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के, इनको अधिकार होता है संसद की कार्यवाही में भाग लेने का। ये वहां पर बोल भी सकते हैं, लेकिन ये संसद के सदस्य नहीं होते, तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो देखिए, जो अशोक चक्र है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में, इसे ही धर्म चक्र भी बोला जाता है और इसका रंग गहरा नीला होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और इसी गहरे नीले को नेवी ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपको ऑप्शन में या तो गहरा नीला देगा या नेवी ब्लू देगा, दोनों आपका एक ही है, दोनों आपका सही है। ठीक है, जो अशोक चक्र है इसमें कितनी तीलियां होती हैं? यह भी क्वेश्चन बन जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 24 तीलियां इसमें होती हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, वीवी गिरी। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, किसके समय में सेकेंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी थी? वो थे वीवी गिरी। 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें एक तरफ थे वीवी गिरी और दूसरी तरफ थे नीलम संजीव रेड्डी। इनके समय में दूसरी वरीयता को भी यहां पर गणना उसकी करनी पड़ी थी और ये इंडिया की हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा अवसर था। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्यों का हो, चाहे केंद्र का हो, यूपीएससी हो, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चेंज कहां पर आता है? चेंज आता है मैक्सिमम एज में। ठीक है, जो एसपीएससी होते हैं, यानी जो स्टेट लोक सेवा आयोग होते हैं, हर राज्य का अपना होता है, इनकी जो अधिकतम आयु होती है वो 62 वर्ष की होती है। जबकि अगर हम यूपीएससी की बात करें, इसमें सदस्यों और अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग में 6 या 62 वर्ष और संघ लोक सेवा आयोग में 6 या 65 वर्ष इनकी आयु होती है। ठीक है, इसको आपने याद करना है, अध्यक्ष सदस्य सभी की। नेक्स्ट है, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना कर दिया गया था? देखिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को महसूस हुआ कि सेना का पुनर्गठन करना होगा और उसमें जो यूरोपीय सैनिक हैं, जो ब्रिटिश सैनिक हैं, उनकी संख्या बढ़ानी होगी। इसके लिए एक कमीशन बैठाया गया जोनाथन पील की अध्यक्षता में और इसी को बोला गया पील कमीशन। क्वेश्चन बनता है, 1858 में सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बना था? पील आयोग या पील कमीशन बना था। ठीक है, इस आयोग से पहले इंडियन सेना में जो अनुपात था भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का, वो 5:1 था।
इस आयोग के बाद जो बंबई प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहां पर इस अनुपात को 5:2 कर दिया गया, और जो बंगाल था जहां पर ज्यादा प्रभाव पड़ा था क्रांति का, वहां पर अनुपात 2:1 कर दिया गया। और यही आपसे पूछा है, 2:1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो देखिए, कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था, ये कहा था विपिन चंद्र पाल ने, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कांग्रेस को लेकर के कई सारे इंपॉर्टेंट व्यक्तियों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, अपनी अपनी टिप्पणियां दी थी, वो भी आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो यहां पर जल्दी से देख लेते हैं किस व्यक्ति ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था। जो बंकिम चंद चटर्जी हैं, इन्होंने कांग्रेस के लोगों के बारे में कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसने बोला? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके अलावा जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यानी कांग्रेस आंदोलन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, यह कहा था अहमद खान ने, याद करेंगे। एक और व्यक्ति है अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने कहा कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। तो कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने बोला था? अश्विनी कुमार दत्त ने बोला। एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति लॉर्ड डफरिन, ये उस समय वॉइसराय था जब कांग्रेस की स्थापना होती है, इसने कहा था कि यह जो कांग्रेस है ये जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत कम है, ये कहा था डफरिन ने। इसके बाद एक और वाइसराय कर्जन, इसने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये कहा था कर्जन ने। और फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस को लेकर के। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। तो कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की उपज किसने बताया? लाला लाजपत राय ने बताया। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद करना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कालीबंगा आपके राजस्थान में है, घग्गर नदी के ये तट पर है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, इसको भी याद करेंगे। और यहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा पक्की ईंट के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं, और नक्काशीदार ईंटें, जो अलंकृत ईंटें होती थी जिनके ऊपर डिजाइन बने होते थे, वो भी हमें कालीबंगा से मिले हैं, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। क्या क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है, इसके अलावा पक्की ईंटें, नक्काशीदार ईंटें, और साथ में जुते हुए खेत, ठीक है। कालीबंगा को लेकर एक क्वेश्चन और याद करना है, 4-5 क्वेश्चन हमने देखे, एक और याद करिए। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका जो निचला इलाका है उसकी भी किलेबंदी की गई है। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र इलाका जिसका निचला शहर भी किलों से घिरा है वो है आपका कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कठो उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो देखिए, कठो उपनिषद, इसको लेकर के एक फेमस क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, आपसे पूछा जाता है कि नचिकेता और यम का संवाद हमें किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो नचिकेता और यम का संवाद कठो उपनिषद में है, और ये यजुर्वेद का भाग है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक फेमस उपनिषद और है जिसको लेकर क्वेश्चन बनता है, मुंडको उपनिषद, ये किसका है? ये आपके अथर्ववेद का भाग है। और मुंडको उपनिषद फेमस क्यों है? जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो इसी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इन दोनों को आपने याद करना है, कठो उपनिषद जिसमें नचिकेता और यम का संवाद है, और मुंडको उपनिषद जिसमें से सत्यमेव जयते को लिया गया है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का है, कठो उपनिषद यजुर्वेद का है, ठीक है। इस सीरीज के माध्यम से आपको यही फायदा होता है कि आपका जो मिक्स रिवीजन होता है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के हैं, सारे फैक्ट कवर हो जाते हैं, और आपको एक मिक्स रिवीजन भी हो जाता है क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलते हैं। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है?
तो इसके बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी से, ठीक है। और नासिक अभिलेख में ही इसके विजयों के बारे में बताया गया है। जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण करी थी? तो कुछ दिन पहले ही हमने दिल्ली सल्तनत में जब हमने गुलाम वंश के बारे में बात करी, वहां पर देखा था जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण करी थी। और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन उत्तराखंड में भी आया था कि इनमें से कौन सा सुल्तान अपने को जिले इलाही कहता था, तो बलबन कहलाता था, ठीक है। इसके अलावा इसने एक उपाधि और धारण करी थी, यह अपने आप को नियाबत एक खुदाई भी कहता था। नियाबत एक खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिले इलाही का मतलब है ईश्वर की छाया। तो कौन सा सुल्तान अपने को ईश्वर की छाया कहता था? बलबन कहता था, ठीक है। यह अपने को खलीफा का सहायक भी कहता था, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। बलबन को लेकर के दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला, जो सिजदा और पैबॉस प्रथाएं हैं इनको किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चालीसा दल था तुर्क ए चहलगानी जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, उसे खत्म किसने किया था? बलबन ने किया था, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश के बारे में हमने डिटेल में बात करी है, सारे तथ्यों को लेकर के आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं दृष्टि जीके वाली सीरीज में। नेक्स्ट है, किस देश में राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में अंतरिम सरकार की स्थापना करी थी? तो देखिए, भारत की जो अंतरिम सरकार बनी थी आज़ादी के समय में, जब आंदोलन चल रहे थे तो अलग अलग व्यक्तियों ने भारत के बाहर स्वतंत्र भारत की सरकारों का गठन किया, जिनको निर्वासित सरकारें बोला जाता था। तो जो पहली अंतरिम सरकार बनी भारत की, वो बनाई थी राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में बनाई थी, और इसका गठन इन्होंने अफगानिस्तान यानी काबुल में किया था। तो भारत की पहली अंतरिम सरकार पहले विश्व युद्ध के दौरान काबुल में बनती है, राजा महेंद्र प्रताप इसको गठित करते हैं, ठीक है। ये खुद राष्ट्रपति बनते हैं और एक इनके साथी थे बरकतुल्ला खान, उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत किस हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए, कंचनजंगा पर्वत आपके सिक्किम में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। अगर हम हिमालय की श्रेणी की बात करें, यह आपके वृहत हिमालय में पड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। रेंज पूछेगा तो काराकोरम रेंज के बारे में, राज्य पूछेगा तो सिक्किम, और हिमालय की क्षेत्र पूछेगा वृहत हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो देखिए, मालदीव और मिनिकॉय इन दोनों के मध्य में आपका 8 डिग्री चैनल है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो आपके प्रमुख चैनल हैं, जल संधियां हैं, यह आपसे कई बार पेपर में पूछी जाती हैं, तो जल्दी से इस टॉपिक को यहां पर क्लियर कर लेते हैं। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? हमने देखा 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन है? 9 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार और जो इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, इसके बीच में है 6 डिग्री चैनल। और जो लघु अंडमान है और कार निकोबार है, इनके बीच में है 10 डिग्री चैनल। इनको आपने याद करना है, ठीक है। जैसे यहां पर ऊपर 8 डिग्री पूछा गया, अगली बार 9 डिग्री, फिर 6 डिग्री, 10 डिग्री, इस तरीके से इनको आपने याद करना है, ठीक है। अदर चैनलों की बात करें, जल संधियों की बात करें, तो ग्रेट चैनल ये किस किस के बीच में है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है ग्रेट चैनल। पाक जल संधि की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में लगती है। मन्नार की खाड़ी ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में लगती है। रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, इनके बीच में है रेडक्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। डूरंड रेखा की बात करें तो वर्तमान में ये पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि पीओके पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। वैसे ऑफिशियल तौर पर डूरंड रेखा किस किस के बीच खींची गई थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये कुछ रेखाएं हैं, कुछ चैनल हैं, जल संधियां हैं, जो आपसे पूछी जाती हैं, सारी एक जगह पर हैं, इनको नोट जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? यानी सबको बराबर अधिकार है, कोई भी किसी भी पोस्ट पर उसको पाने का अधिकार रखता है, यह कहलाता है आपका नागरिक अधिकार। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो देखिए, फॉकलैंड जलधारा की अगर हम बात करते हैं, फॉकलैंड जलधारा एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, और किसकी है? यह अटलांटिक महासागर की है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अटलांटिक महासागर की 3 इंपॉर्टेंट जलधाराएं जो लगातार पेपर में आती हैं, एक है आपकी फॉकलैंड,
एक है बेंगुएल और एक है लेब्राडोर। ये तीनों ठंडी जल धाराएं हैं, किसकी हैं? अटलांटिक की हैं। ठीक है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दूसरी हरित क्रांति, प्रथम नहीं पूछा है, पहली तो आप बता देंगे इजीली, 67-68 में शुरू होती है एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में। जो दूसरी हरित क्रांति होती है ये 1983-84 में होती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरी हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1983-84 में। नेक्स्ट है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल है, वो है आपका ताड़ वृक्ष के सामने एक टाइगर, एक बाघ। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए, जो वर्ल्ड हेरिटेज संधि है आपकी, विश्व विरासत संधि, इसके ऊपर भारत ने 1976 में हस्ताक्षर करे थे। एक सम्मेलन होता है विश्व विरासत सम्मेलन, यह सम्मेलन आपके पेरिस में होता है 1972 में, और यहीं पर इस संधि को लागू किया जाता है। लेकिन भारत इसमें हस्ताक्षर कब करता है? 76 में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो एगमार्क एक्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उनको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, जो पूरा करते हैं उनको ये एगमार्क का जो सिंबल है वो दिया जाता है। तो एगमार्क एक्ट गुणवत्ता से संबंधित है और ये आपके 1937 में आया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको जलप्रपात दिए हैं, दूसरी तरफ आपको नदी दी है, चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर सही नहीं है। हुंडरू जलप्रपात, क्या ये स्वर्ण रेखा नदी पर है? ये आपका सही है। लोकेशन की बात करें, हुंडरू जलप्रपात आपके रांची में पड़ता है, झारखंड में। चचाई प्रपात की बात करें तो ये बीहड़ नदी पर है, एमपी में आता है, ये भी आपका सही है। धुआंधार प्रपात की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है और ये भी आपके एमपी में पड़ता है। बूढ़ा घाग प्रपात की बात करें तो ये कांची नदी पर नहीं है, बूढ़ा घाग प्रपात ये आपके बूढ़ा नदी पर पड़ता है, इसको आपने याद करना है, और ये आपके झारखंड में आता है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रपात हैं, चचई वाला हो गया, जैसे जो नए प्रपात हैं बहुत बार आ चुके हैं पेपर में, हुंडरू धुआंधार, लेकिन जो सी डी और बी वाले हैं इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इनकी लोकेशन और इनकी नदियां। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 में होती है, विलियम जोन्स के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो आकस्मिक निधि से संबंधित है अनुच्छेद 267। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दो निधियों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, एक है संचित निधि और एक है आकस्मिक निधि। संचित निधि 266 में है, आकस्मिक निधि 267 में है, दोनों आपने याद करना है। ठीक है, आकस्मिक निधि का निर्माण किया कब गया था? तो इसे 1950 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजाति और उनकी अवस्थिति में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, एक तरफ जनजाति दी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। तो जो खस जनजाति है आपके, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, यूपी उत्तराखंड यहां पर ज्यादा निवास करती है। बाकी अंगामी जनजाति नागालैंड, बिरहोर झारखंड, टोडा तमिलनाडु, नीलगिरी पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ख में अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? देखिए, जो 371 वाला आर्टिकल है, अनुच्छेद 371, 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, 371 जो है इसके तहत भारत के कई सारे राज्यों को विशेष स्थिति यहां पर प्रदान की गई है। तो ये पूछे जाते हैं कि 371 ए में कौन है, बी में कौन है, सी में कौन है, डी में कौन है, ई में कौन है, इस तरीके से। अगर हम बी की बात करें, 371 बी में आसाम को यह दिया गया है, ठीक है, असम होगा यहां पर, तो असम को दिया गया है विशेष राज्य का दर्जा। कौन से भाग में आता है 370 या 371? भाग 21 में आता है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट राज्य जिनको 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, कौन कौन है इनको याद कर लीजिए। 371 में आते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 371 आ में नागालैंड आता है, बी में असम आता है, 371 सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र और तेलंगाना,
371 ई में आंध्र के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो 371 ई से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो एफ है वो सिक्किम से संबंधित है, जो जी है वो मिजोरम से संबंधित है, जो एच है वो अरुणाचल से, जो आई है वो गोवा से, और जो जे है वो कर्नाटक से। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अगली बार आपसे पूछेगा बताइए 371 जी किससे संबंधित है, तो 371 जी आप बताएंगे मिजोरम से संबंधित है। ये टेबल भी आपको याद होना चाहिए, इसको भी नोट डाउन करते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए, राज्यों में किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की सबसे कम संख्या जो हो सकती है वो 12 हो सकती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो टोटल विधानसभा है, जितना विधानसभा में सदस्य हैं, उसका 15% होता है, लेकिन अगर 15% कम आ रहा हो तो फिर भी आपको कम से कम 12 मंत्री रखने होंगे। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में विधानसभा 70 मेंबर की है, इसका अगर हम 15% अगर निकालने जाएंगे तो 10 के करीब निकलेगा, तो ये 12 से कम है, तो कम से कम 12 होने चाहिए। 12 से कम आप नहीं कर सकते और अधिकतम 15% से ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था। तो देखिए, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेके 1782 में ये युद्ध लड़ा गया था, और ये वाला युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, ये हुआ सालबाई की संधि के साथ। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मराठा और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध लड़े जाते हैं, तीनों युद्ध कब कब हुए ये आपसे पूछे जाते हैं। तीनों की डेट याद कर लीजिए, इसकी संधि याद कर लीजिए, सालबाई की संधि। अगर हम अदर 2 युद्धों की बात करें, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में लड़ा गया, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया, और यहां पर कौन सी संधि होती है, यहां पर बेसिन की संधि होती है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में लड़ा गया, और यहां पर होती है पूना की संधि, जिसके तहत जो पेशवा का पद था वो खत्म कर दिया जाता है। तो तीनों युद्धों की डेट्स आपको पता होनी चाहिए, पूछे जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट संधियां जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक पेपर में आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था, वड़गांव की संधि कब हुई, तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान होती है 1779 में। इसी प्रकार की संधियां हैं जो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुई, आपको पता होनी चाहिए। एक है सूरत की संधि, ये 1785 में होती है रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। एक है पुरंदर की संधि जो 1776 में होती है कर्नल अपटन और पूना के बीच में। वड़गांव की संधि हमने देखी 1779 में। सालबाई की संधि, जिसके तहत जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था वो खत्म होता है अंग्रेज और पूना दरबार के मध्य में। इसके बाद आती है बेसिन की संधि, जिसके तहत दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होता है 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। इसके बाद 2 संधियां हैं, नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, ये भी अंग्रेज और मराठाओं के बीच में होती हैं। फिर आती है पूना की संधि, जिसके तहत जो पेशवा पद था वो खत्म कर दिया गया था, ये होती है 1817 में, ठीक है। और इसी के साथ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी खत्म होता है, जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो खत्म होता है एल्फिस्टन और बाजीराव द्वितीय के बीच में, ये संधि होती है। और आखिरी संधि थी मंदसौर की संधि, जो मराठाओं की होलकर शाखा थी, ये भी आखिर में जाके अंततः जाके संधि कर लेते हैं 1818 में, इनको स्वीकार करनी पड़ जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट संधियां मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो 44वां संशोधन है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, ये आपके 1978 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इस अधिनियम के तहत, इस संशोधन के तहत क्या क्या परिवर्तन किए गए थे, जल्दी से उनके बुलेट नोट्स को यहां पर देख लेते हैं। 44वें संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा का काल फिर से 5 वर्ष का कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं 42वां संशोधन जो हुआ था 76 में, उसमें क्या कर दिया था, 5 वर्ष को 6 वर्ष कर दिया था, तो 44वें ने वापस इसको 5 वर्ष का कर दिया। इसी संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को हल करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दे दिया। देखिए, जब निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, चाहे सांसदों का चुनाव करवाए चाहे विधायकों का करवाए, चुनाव से संबंधित अगर कोई गड़बड़ आती है तो निर्वाचन आयोग उसको देखता है।
राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग करवाता है, लेकिन अगर वहां पर गड़बड़ी आती है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन नहीं देखता, वहां पर उच्चतम न्यायालय देखता है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को वापस भेज सकता है, लेकिन वापस सलाह देने पर उसे स्वीकार करना ही होगा। ये भी 44वें के तहत किया गया था 1978 में। राष्ट्रपति आपातकाल सिर्फ तब घोषित करेगा जब मंत्रिमंडल की लिखित उसे सिफारिश मिलेगी। ये भी 44वें के तहत किया गया। उस आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा एक माह में होना चाहिए, यह भी इसी संशोधन के तहत हुआ। और आंतरिक अशांति को सशस्त्र बल से बदल दिया गया संविधान में। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 352 है, वहां पर लिखा गया था पहले कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, और इसी का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया था और उन्होंने इस शब्द के इस्तेमाल करके इमरजेंसी को लगाया। बाद में जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र बल का यहां पर सशस्त्र विद्रोह का, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह को यहां पर लगा दिया कि आप तब लगा सकते हैं अगर देश में सशस्त्र विद्रोह होता है। ठीक है, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द में स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि किस प्रकार की अशांति, तो कोई भी इसका फायदा इजीली उठा सकता था। सशस्त्र बल में यहां पर इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया गया। तो ये कुछ चेंजेस थे जो 44वें संशोधन के तहत हुए, वर्ष 1978 था, पेपर में पूछा जाता है। अगला है, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को पराजित किया और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर अधिकार करके इन्होंने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा और बाद में इसी अलीनगर में अंग्रेजों के साथ एक संधि करी 9 फरवरी 1757 को, जिसे क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में किया गया और इसी को अलीनगर की संधि कहते हैं। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार किया 1756 में, इसका नाम रख दिया अलीनगर और बाद में अलीनगर की संधि होती है फरवरी 1757 में। काफी इंपॉर्टेंट ये संधि थी क्योंकि जब प्लासी का युद्ध होगा, क्लाइव हमला करेगा सिराजुद्दौला पे, वो इसी संधि के उल्लंघन का आरोप नवाब पर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार करी थी? तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट को लेकर के। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है, जब इंडिया के लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो एक अंग्रेज ने इंडिया के नेताओं को संविधान बनाने की चुनौती दी। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए एक रिपोर्ट आई 1928 में, नेहरू रिपोर्ट। और ये किसके नेतृत्व में आई, किसने तैयार करी थी? M.L. नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। ठीक है, एक समिति बनाई गई थी, 9 सदस्य उसमें शामिल थे, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928। कौन लेकर आया? आप बताएंगे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का नाम आपने नहीं लेना है। ठीक है, तो इसे भी आपने याद करना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से भी आपको कई सारे नए क्वेश्चन यहाँ पर मिले होंगे और कई सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो यहाँ पर आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।